हाय फ्रेंड्स, मैं निर्मल कुमार, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्नैक लवर में। दोस्तों, स्नैक रेस्क्यू के लिए अभी जो है हम लोग कस्टर्नी घाट आए हैं। बता रहे हैं घाट के सीढ़ी पर जो है एक बड़ा रसल वाइपर सांप बैठा हुआ है। यहां से बादल कुमार ने हमें कॉल किया है, तो चलकर देखते हैं, उसका रेस्क्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सीढ़ी पर, ये ऊपर मंदिर है, ये देख पा रहे हैं आप, ऊपर मंदिर है। और यहाँ क्या है, सीढ़ी पर चढ़कर लोग जाते हैं ये पूजा करने के लिए। और देख सकते हैं कितना बड़ा रसल वाइपर सांप जो है, कितना घात लगाए हुए, एस बनाए हुए, बिल्कुल बैठा हुआ ऊपर। तो यही है दोस्तों एशिया का सबसे खतरनाक सांप। ये तो यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तो यहाँ लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है कि इतने बड़े सांप को देखने के बाद इससे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की और हमें बुलाया इसके रेस्क्यू के लिए। तो दोस्तों, इतना बड़ा सांप पकड़ना बहुत रिस्की है, काफ़ी खतरे की बात है, क्योंकि जहरीला सांप है और एस बनाया हुआ है, बहुत ही गुस्से में भी रहता है यह सांप। और इसे छेड़ने के बाद क्या है, काफ़ी गुस्सा जाता है बहुत जल्दी। तो देख सकते हैं जिस तरह हम आगे आ रहे हैं इसके, धीरे धीरे यह भी गुस्सा रहा है। यही है दोस्तों एशिया का सबसे ज़्यादा जहरीला सांप रसल वाइपर। आइए अब इसे हम लोग रेस्क्यू करते हैं। तो काफ़ी खतरनाक सिचुएशन है दोस्तों एक रसल वाइपर को रेस्क्यू करना, क्योंकि बहुत गुस्सैल सांप होता है। कितनी जल्दी गुस्सा आ जाए, हम चाहेंगे यह अपने से धीरे धीरे उतर जाए नीचे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, फिर इसे पकड़ना आसान रहेगा। चलिए इसे हम लोग धीरे धीरे उतारते हैं, हजार के स्टेप नीचे उतरना तुम भी धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों अगर इसे अभी हाथ लगाया जाए तो ये बहुत एक्टिव हो जाएगा। तो इसे हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे अभी, कोशिश करते हैं बिना हाथ लगाए भी इसे पकड़ा जाए। हाथ लगाने पर ये एक्टिवेट हो जाता है। कोशिश करते हैं इसे पकड़ने, तो हमने इसे पकड़ लिया है। कोशिश करते हैं कि इसे पता ना चले कि इसे पकड़ा गया है। चलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक डब्बे में बंद करते हैं। देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से, हाँ काफ़ी सतर्कता पूर्वक हम लोग इसे डब्बे में बंद कर रहे हैं दोस्तों। देख सकते हैं साथियों, कोशिश करते हैं इसे हम लोग बिना एग्रेसिव किए हुए इसे डब्बे में डालने की, चाहे डब्बे में गए अंदर गए। काफ़ी ट्रिकी होता है एक रसल वाइपर को हैंडल करना। तो ये अब डाला डब्बे में, पिछली बार तो निकल गया था, इस बार हम लोग इसे नहीं डालने देंगे। तो साथियों, आपने देखा काफ़ी ज़्यादा जहरीला सांप है, और क्या है, ये घाट है, यहाँ लोग पूजा पाठ करने आते हैं, और ऐसे में यहाँ पर सीढ़ी पर यह सांप बैठा हुआ था। अगर अनजाने में अंधेरे में कोई बेधड़क ऊपर चला जाता तो यह इस सांप पर उसका पैर जरूर पड़ता और सांप फिर उन्हें बाइट कर लेता। तो समझ सकते हैं इतना बड़ा यदि जहरीला सांप अगर बाइट कर लेता है तो कितने खतरे की बात है। यह सांप साथियों जब भी काटे आपको बांधना बिल्कुल नहीं है,
इस सांप के काटने के बाद जल्द से जल्द आप सरकारी सदर हॉस्पिटल जाए, तभी आपकी जान बचेगी। और सांप काटने के बाद सबसे पहला उपाय ये करें कि घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप घबरा जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, जहर जल्दी फैलेगा और फिर इसका जहर जो है ब्लड में जाने के बाद गैंग्रीन बनाने लगता है, मांस को सड़ाने लगता है, तो ऐसे में यह ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और यह सांप, इसके काटने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बहुत पीड़ा होती है, तो कभी भी ऐसा कोई सांप दिखे उसे अजगर या सैंड बोआ समझकर पकड़ने की गलती ना करें। अगर आपको सांप की पहचान नहीं है तो सांपों से आप दूरी बना कर रहें। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा रेस्क्यू वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ। आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत।